आज भी कार्रवाई चल रहा है, आज भी हमारे कई सत्ताधारी विधायकों की यहां छापा पड़ रहा है। और मजेदार बात है, वो छापा भी पड़ रहा है और छापा में जाने वाला जो आईटी पदाधिकारी है, जो भी जांच पदाधिकारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा जा करके छापा मार रहा है। कमाल का बात है, क्या बात है? इतना काला करके ये घूम रहे हैं अपना मुंह और संवैधानिक संस्थाओं का चोला पहन करके देश का जनादेश, राज्य का जनादेश को ये लोग ठेंगा दिखाने का काम करता है। इसलिए गांठ बांध लीजिए, इस लोकतंत्र में इस देश के जनता के पास बहुत बड़ा ताकत होता है, वो चुनाव का ताकत होता है, वोट का ताकत होता है। ऐसे सामंती सोच वालों को पहचान के रखिए, जो आपके अधिकारों को लूट लूट कर अपना घर भरने का काम करता है। इनके व्यापारी मित्र लाखों करोड़ों रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है, बेचारा यहां किसान का अनाज खराब हो जाता है, बेचारा जो लोन नहीं चुकता कर पाया उसको जेल में भेजने का काम करता है। बड़ा ही विचित्र हालत है। ऐसी अराजकता देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई है। बताइए, ईडी सीबीआई के लोग, इनकम टैक्स का लोग भारतीय जनता पार्टी का गाड़ी में जा रहा है छापा मारने के लिए। शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। और नैतिकता की बात हमें सिखाते हैं, ये नोटिस देकर के आदिवासी दलित पिछड़ों को बेइज्जत करने का काम करते हैं। इनको पछता नहीं है कि एक आदिवासी नौजवान इस राज्य के गरीबों के लिए काम कर रहा है। इनको पता है कि आदिवासी दलित पिछड़ा जब मजबूत होगा तो आने वाला समय में किस पर राज करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को समझना पड़ेगा कि आज के हालात में इनकी जो सोच है, इनकी जो बेशर्मी है, इतने नीचे स्तर तक जा चुकी है जिसका अंदाजा आपको नहीं है। राजनीतिक ये में अखाड़े में ये नहीं सकते हैं। और यही दर्द, यही घाव की वजह से इनकी डबल इंजन की सरकार को आप लोगों ने उखाड़ कर 2019 में बाहर फेंकने का काम किया। नहीं तो 20 साल तो आशीर्वाद मिला ही था, क्या हुआ? धोखा, फरेब, लूट और अपना पाप का टिकरा आज हम लोगों के ऊपर फोड़ना चाहता है, ऐसा होता है क्या? सच्चाई, ईमानदारी को आप जरूर थोड़ी देर के लिए उसको डराने का, धमकाने का प्रयास हो सकता है, उसको आप परास्त नहीं कर सकते। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।